Good morning, students. मुझे शिक्षा विभिन्न स्तर पर शिक्षा को मैनेजमेंट में स्थानीय स्तर पर शिक्षा मैनेजमेंट में कल की कक्षा में हमने संभागीय शिक्षा आयुक्त के कार्य किए थे। आज हम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों के बारे में वर्णन करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जिले के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं उन विद्यालयों की व्यवस्थाओं को देखने का, निरीक्षण करने का, अवलोकन करने का और समय समय पर उनके कार्यों के लिए सुझाव दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य करता है। या कि हम ये है कहें कि जिले की समक्ष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन होता है, जो अपने जिले की सभी संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य करता है, उनको निरीक्षण करने का कार्य करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। तो आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों का वर्णन करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य पहला है, इसमें लिखिए प्रत्येक प्रत्येक राज्य में जिले होते हैं दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी को दिया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी अधिकारी माध्यमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक माध्यमिक स्तर के विद्यालयों विद्यालयों की व्यवस्था को देखता है और प्राथमिक स्तर की जो स्कूलें उस जिले के अंदर संचालित होती है या हम ये कहें आठवीं तक के विद्यालयों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों को कम करने के लिए
कुछ प्राणी उनका अवलोकन करने का, उनको देखने का कार्य जो है बीओ का होता है। ठीक है, तो जिला शिक्षा अधिकारी जो है माध्यमिक 10वीं से 12वीं तक के विद्यालयों का अवलोकन करता है। अब है कार्य, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य। पहला कार्य है शासकीय विद्यालयों प्रधानाचार्यों ब्रैकेट में लिखो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक। ठीक है, उच्च माध्यमिक के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। दूसरा है जिला शिक्षा अधिकारी केवल अनुदान निर्धारण और उसकी करता है। तीसरा है जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा
शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य हाई स्कूल आदि परीक्षाओं को अपने जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का कार्य करता है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और डीएलएड जो एसटीसी स्तर बीएसटीसी की स्तर की जो भी परीक्षाएं आयोजित उस जिले में जो आयोजित की जाती है उन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से संपन्न कराने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी को होता है जो इनका समय समय पर निरीक्षण करके उनको सुझाव देता है उनको किस तरीके से कार्य करना है उस व्यवस्था को संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करता है। चौथा है शाला के शिक्षण प्रबंधन शाला के शिक्षण प्रबंधन और अन्य कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करता है कि जो शिक्षा व्यवस्थाएं शिक्षण संस्थाएं जो चल रही हैं उनका मैनेजमेंट और उनके कार्यों में मार्गदर्शन करने का कार्य भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही होता है। और अगला है संभागीय शिक्षा अधीक्षक संभागीय शिक्षा अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों अधिकारियों
दिए गए निर्देशों का पालन करता है। जो संभागीय आयुक्त होता है ना, जो जिले उस संभाग के सभी जिलों का निरीक्षण करता है, उनको उनके द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों को अपने जिले स्तर पर क्रियान्वित करने का, उनको लागू करने का, अपने जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं पे वह योजनाएं चालू करने का पर बल देता है। नेक्स्ट है सहायक जिला निरीक्षक BEO ब्लॉक स्तर पर जो काम करता है के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करना, उसको सुझाव देना। नेक्स्ट है अपने जिले की निरीक्षण करना, जो भी अपने उनके जिले की प्राथमिक और हाई स्कूल के विद्यालय हैं, उनका समय समय पर निरीक्षण करना जो उसका प्रमुख दायित्व माना जाता है। इस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी जो है शिक्षा से संबंधित जिले में शिक्षण संस्थाएं जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की हैं, उनके कार्यों को व्यवस्थित ढंग से चलाने का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारी को होता है। अब है कि ये जो शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को चालू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कि इनको क्यों नहीं पूर्णतः सफल हो पाती है, इसमें है देखो शिक्षा मंत्रालय की प्रशासनात्मक समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली है अधिकांश शिक्षा मंत्रियों को शिक्षा अथवा कि अधिकांश शिक्षा मंत्रियों का शिक्षा से
संबंधित योजना का अनुभव न होना, मतलब जो शिक्षा मंत्री बनते हैं उनको शिक्षा से संबंधित कार्य, क्योंकि हर 5 साल बाद में मंत्री बदल जाता है, तो जो शिक्षा से संबंधित अधिकारी हैं उनको शिक्षा से संबंधित योजनाओं या शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य कराए जाते हैं उनका अनुभव नहीं होता, इसलिए जो है योजना को चालू करने में क्रियान्वित करने में दिक्कत आती है। दूसरा है शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करते समय शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करते समय उसकी उपयोगिता को ध्यान में न रखना, कि अधिकारी वर्ग जो भी नीति निर्धारण शिक्षा से संबंधित करते हैं वो नीतियों का निर्धारण बंद कमरे में किया जाता है, जब उन योजनाओं को फील्ड में कार्य क्रियान्वित किया जाता है और क्रियान्वित करते समय जिन जिन समस्याओं का सामना किया होता है, जो समस्याएं कार्यकर्ता के सामने आती है उन समस्याओं के बारे में उनको जानकारी नहीं होती और जानकारी ना होने के कारण से वो उन समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं होते या उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो जो भी योजना बनती है उसको फील्ड में क्रियान्वित करने से पूर्व उसमें क्या क्या दिक्कत आएगी अर्थात दूरदर्शिता की सोच उसके अंदर होनी अनिवार्य है। तीसरा है शिक्षा संबंधी नीति में कंटिन्यूटी का अभाव होता है, कि जो भी नीति बनती है वो एक कंटिन्यूटी में लगातार नहीं चलती, परिवर्तन के साथ के किसी समस्या आई तो उसमें परिवर्तन कर दिया, तो एक जो कंटिन्यूटी होती है एक लगातार जो उस कार्य को हम करते हैं उस कार्य में हमको एक बार गलती होती है तो आगे हम उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो जो कंटिन्यूटी कोई काम में नहीं होती है तो उसमें आगे सुधार भी संभव नहीं होता है। इस प्रकार से जो है शिक्षा के अंदर जो प्रशासनिक समस्याएं आती हैं जो इस योजनाओं को जब चालू करते हैं तो उसके अंदर उन योजनाओं को चालू करने से पूर्व इसीलिए समस्या आती है, जो भी अधिकारी होता है वो पूर्व अनुभवित नहीं होता है और नए व्यक्ति को जब नया कार्य दिया जाता है जिसको उसके बारे में कोई अनुभव नहीं है तो जो है कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं होगा। इस प्रकार से जो है ये कार्य प्रशासनिक रूप से इसमें बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कार्य है जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों का वर्णन कीजिए।
ठीक है, साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते रहिए और दिन में कम से कम 2 बार गर्म पानी का सेवन कीजिए।